नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। साथियों, अभी हम कटाई कर रहे हैं फूल गोभी की। देखिए, बिल्कुल सफ़ेद फूल गोभी है और आज हम आपको बताने वाले हैं कैसे फूल गोभी की जो प्लांट होता है उससे कटाई कैसे करते हैं, इसके बाद इसके जो पत्ते होते हैं कहाँ से कैसे तोड़ने होते हैं, और तीसरी बात इसकी पैकिंग करके कैसे इसको मंडी में भेजा जाता है। तो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी साथियों देखिए, आपको बताते हैं कि कटाई कैसे करनी चाहिए। ये देखिए, ये फूल जो फूल गोभी का बिल्कुल तैयार है, ठीक है। मान लो गोभी का जो प्लांट है वो बड़ा है और फूल छोटा है, तो उसे हमें नहीं काट रहा है, क्योंकि जो प्लांट अगर पावर में होगा तो फूल भी उतना ही बड़ा होगा। तो ये देखिए बिल्कुल काटने लायक हो गया है। और यहाँ से दिखाइए, कैमरामैन को कहूँगा इधर से आइए। काटना कैसे, ये औजार है, इसको बोलते हैं दराती। देखिए, इससे काटा जाता है। और आपके क्षेत्र में इसको क्या बोलते हैं, हमारे दराती बोलते हैं, आपके क्या बोलते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। देखिए, आपको बताते हैं कहाँ से काटा जाता है। यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से ये इस प्रकार से अपनी तरफ खींचना होता है और ये देखिए कट गए, इस प्रकार से कट जाता है। अभी आपको बताते हैं कि इसकी पत्तों की तुड़ाई कैसे करनी चाहिए। जो फूल का लेवल है ना, वहां से पत्तों की तुड़ाई इस प्रकार से देखिए, ये पकड़ते हैं, इस प्रकार से तोड़ देते हैं, पीछे की तरफ इस प्रकार से मोड़ना होता है, ये वाला, ये अपने आप बड़े इजीली तरीके से ये टूट जाता है। ये देखिए इस प्रकार से ये फूल होता है। अगर हम इसको ज्यादा काट देंगे, इतना बड़ा काट देंगे, तो इसका भाव अच्छा नहीं मिल पाएगा। और इसको मीडियम अच्छे तरीके से इसको काटते हैं तो अच्छा फूल लगेगा, मार्केट में डिमांड अच्छी होगी, तो इस प्रकार से इसको काटना चाहिए। तो ये तो बात थी पौधे से फूल कब काटना चाहिए और इसकी पत्तों की तुड़ाई कैसे करनी चाहिए। अभी चलिए आपको बताते हैं कि इसकी पैकिंग हमें कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले पैकिंग करने के लिए देखिए, प्लास्टिक की पन्नी होती है, इसको इस प्रकार से दोनों घुटने में डालना होता है ताकि ये अच्छे से फोल्ड हो जाए, इस प्रकार से। ये देखिए, इस प्रकार से फोल्ड हो जाती है। अभी क्या करना होता है, इसको समतल जगह पर रखना होता है, इस प्रकार से। अभी जो इसकी पैकिंग की जो बेस होती है ना, वो हमें बनानी पड़ती है। सबसे पहले देखिए, थोड़े बड़े वाले जो फूल होते हैं ना, उसको इस प्रकार से सेट करना होता है, क्योंकि अगर बेस इसका अच्छे से नहीं बनेगा ना, तो पैकिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले इसका बेस बनाते हैं बड़े वाले फूलों से। क्योंकि जो दिखता है ना, वही दिखता भाई। तो इसकी पैकिंग करनी सुंदरता के साथ है, तभी ये मार्केट में अच्छी बिक पाएगी। अभी दिखा देते हैं आपको, इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से इसका बेस हमने बना दिया है। अभी चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा इस पन्नी को खोलते रहेंगे और इस प्रकार से फूल को जताते रहेंगे, और लूज भी नहीं जताना है, टाइट टाइट जताना है, ताकि हिले डुलेंगे तो गोभी खराब हो जाएगी। तो इस प्रकार हल्का सा दबाव दे करके इसको सेट करना होता है। हम इतने पैकिंग करते हैं, आपको करना क्या है, इस वीडियो को शेयर भी करना है और एक लाइक भी करना है। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट हो, वो वीडियो के नीचे डाल दीजिएगा, हम उसको जरूर पढ़ेंगे और उसका रिप्लाई भी देंगे। अभी देखिए, लगभग 90% जो पैकिंग है वो हो चुकी है। अभी इसके ऊपर क्या है, बढ़िया बढ़िया फूल लगाने, जो चमकदार होते ना, जो कस्टमर इसको देखे सब्जी मंडी के अंदर, वो देखते इसको खरीद ले। तो इसकी पैकिंग ऐसे करनी है, क्योंकि जो दिखेगा वही बिकेगा। तो इसके अच्छे अच्छे फूल होते हैं ना, जमा बिल्कुल चमकदार, वो वाले लगाएंगे। ये देखो जी, ऊपर ऊपर हमने ऐसे फूल लगा दिए, बिल्कुल चमकदार और सफ़ेद। वैसे तो सारे सफ़ेद ही है, लेकिन थोड़े से अलग रहते हैं ऊपर वाली जो छाप होती है। तो ये पैकिंग इस प्रकार से हो गई है। अभी इसके ऊपर क्या लगेगा, ये दोनों पन्नी की जो डस होती है ना,
ये बांधनी होती है, ऊपर इसकी टेप लगानी होती है। फिर शाम को इसको पानी से अच्छे से वॉश कर देंगे ताकि जो भी मिट्टी वगैरह लगी हो ना वो दूर हो जाए और सुबह तक बिल्कुल कड़कदार गोभी रहे। तो अभी इसको पैकिंग हमने कर दी है। आपको पैकिंग कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अभी देखिए दोनों डसों को हमने बांध दिया है और ये होती है टेप। इसको टेप इस प्रकार से लगाना होता है। ताकि साइड वाले जो फूल होते हैं ना वो गिरे ना। ये देखो बिल्कुल तीन टेप अच्छी है, ठीक है। और इसका वजन मैं आपको बता देता हूँ अंदाजा से, लगभग 30-32 किलो इस पैकिंग में गोभी आराम से है, ठीक है। तो अभी दो तीन और है वो पैक कर लेते हैं।